चले गए और आगे आगे विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा और बेटा रोहतास तीनों किनारे चले। जल्दी चलो राजा, जल्दी दोपहर होने वाली है। चलते जा रहे हैं। याद रखना, कभी महलों से नीचे नहीं उतरी थी, लेकिन आज वही नंगे पांव धूप में चलती जा रही है। कभी क्रोध से पुत्र नीचे नहीं उतरा था, लेकिन आज वही पुत्र नंगे पांव भागता जा रहा है, भागता चला जा रहा है। राजन मना कर दो, आगे पहाड़ी का रास्ता है, झाड़ी का रास्ता, तुम नहीं चल पाओगे। नहीं मना करेंगे प्रभु, आप हमें चलने रास्ता है, आप हमें चलने दीजिएगा। हम जहां तक चलेंगे वहां तक चल के जाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? कोई नहीं मरेगा, और मर जाए तो मर जाने दो। जब हम ही मर जाएंगे तो कौन देगा? मेरा कर्जा कैसे पटेगा? प्रभु आप चिंता मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप हमें लेकर के चलिए। जल्दी चलिए, आज पहाड़ी का रास्ता है। आज महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। याद रखना, जेठ में इतनी तेज धूप पड़ती है कि बाहर निकला नहीं जाता है, इतनी तेज लपट चलती है बाहर निकलना भी नहीं आता, और वो भी नंगे पांव चलते जा रहे हैं। रानी तारा के पैरों में छाले पड़ गए, जमीन पर गिर पड़ी, कहा महाराज रुक जाए, अब नहीं चला जाता। तब तक बेटा रोहतास व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, ये मैया मुझे ये बता दे तेरी काशी अभी कितनी दूर है? अभी बहुत दूर है, ऐसा करो पहले इसको पानी पिलाओ, ये मर जाएगा, ये प्यास से अगर कहीं मर गया तो मेरा ऋण कैसे चुकाएगा? रोहतास कह रहा है, माँ पानी पिला दे, अगर पानी नहीं मिला नहीं मैं मर जाऊंगा। अरे हमारे कमांडर है, पिला दो पानी इसको। रानी तारा कहने लगी, महाराज रुक जाइए, फिर जाइए, अगर आप मेरी खातिर नहीं रुक सकते हैं ठहर जाइए, ठहर जाइए, रुक जाइए। अरे बहुत दूर चलना है, ठहर जाइए, जल्दी चलिए, अगर पानी पीना है तो पी लो, हमारे कमंडल में है। आज मना कर दिया है और रोहतास अपनी मैया की गोद में और रोने लगा, कहने लगा, मां मेरी एक बात सुन,
चैंपियन चैंपियन।